वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मैं, और काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको GBR खेलना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब टीम फॉर्मेशन क्या है, कौन सी जगह पर जाके अटैक करना है, कितनी टीम लेनी है, कैसी टीम चूज़ करनी है, कुछ भी एनीथिंग नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, चलो हेल्प कर देता हूँ। कैसे खेलना बता दो, टीम सेटअप क्या है, कैसे खेलना है, कहाँ पर जाके खेलना है और किस तरह से अटैक करना है, कहाँ पर बचना है, कब रिकवरी लेना है, कब किसकी हेल्प करना है, कहाँ पर जाकर एक साथ अटैक करना है, ये सब कुछ सिस्टम मुझे समझाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा काम ही वही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये मैंने गैलेक्टस के संडे को 8 बजे के आसपास में गैलेक्टस का GBR क्लियर कर रहा था, उसका ये स्क्रीनशॉट है। मैंने 3-4 बार खेला लेकिन उसमें एक भी बार मैं क्लियर करने में कामयाब नहीं हो पाया, फेल ही हो गया। तो वहाँ पर क्या हुआ गया, यहाँ पर जैसे कि आपको दो यहाँ पर टीम दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये थैनोस वाली और कैप्टन वाली, ये जो दो टीम है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है तुषार 96 सिंक 8613, ये जो दो प्लेयर है इनके कैरेक्टर जो है डिफेक्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास जो कैरेक्टर थे, यहाँ पर मैंने थैनोस लिया था और शिरोनोजस लिया था TA3 और एशेंट वन। तो ये जो टीम थी, ये टीम एक तरीके से लेना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दोनों टीम में एक दो दो कैरेक्टर थे, डेडपुल जिनके पास में हीलिंग फैक्टर है, प्लस थैनोस है और केबल है, स्कारलेट विच भी है। तो ये सब कैरेक्टर थे। अब इनको लेके ये चाहे तो आराम से मेरे जो एशेंट वन का जो शील्ड है, Skill 5 रिकवरी वाला शील्ड, उस शील्ड के अंदर आकर आराम से रिकवर होके गैलेक्टस का जो GBR है उसको आराम से बिना किसी दिक्कत के हरा सकते थे। लेकिन बात ऐसी हुई कि सब लोग अपनी अपनी टीम के ना अपने अपने दिमाग से खेलते, एक ही फॉर्मेशन में नहीं खेलते, एक प्लेस पे आके, एक जगह से, एक हिस्से से, एक ही प्लेस पे आके तीनों टीम, अगर तीन प्लेयर एक साथ एक ही जगह से अटैक करें ना, तो आराम से गैलेक्टस को हराया जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत आती है, वो ये कि अगर गैलेक्टस ने एक ही जगह पे अगर निशाना बना के टारगेट कर दिया या अटैक कर दिया, तो उसके बाद में जो टीम मेंबर्स है उनका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीनों टीम अगर एक ही प्लेस पे रहेगी तो तीनों के कैरेक्टर जो है एक ही साथ डिफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका थोड़ा हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि गैलेक्टस के हाथ कहाँ जा रहे हैं और वो हाथ लेकर कौन सा वाला अटैक करने वाला है और कौन से HP के पास में कौन सा अटैक शुरू करेगा, इसका सबका नॉलेज हमें निकालना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट टाइमिंग के साथ हमें वो पूरा स्विच अटैकिंग, डॉजिंग और रिकवरी सब कुछ एकदम प्लानिंग के हिसाब से करना होगा गैलेक्टस को हराने के लिए। तो सबसे पहले जो न्यू प्लेयर्स है जिनको सिल्वर सर्वर के बायोमेट्रिक्स चाहिए, उनको खास तौर पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ भाई, अगर देखो गैलेक्टस का जो GBR है ना वो आसान नहीं है, तीन प्लेयर को एक साथ पूरे प्लानिंग के साथ, टीम बोनस के साथ, टीम पूरा एक साथ टीम लेकर, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि एशेंट वन का मैंने यहाँ पर यूज़ करते हुए एक रिकवरी शील्ड क्रिएट की है एशेंट वन की Skill 5 वाली, तो उसके अंदर आके तीनों को एक साथ रिकवर करके, अपने कैरेक्टर को रिकवर करके अटैकिंग करना पड़ेगा, तो ही हम लोग गैलेक्टस के खिलाफ जीत पाएंगे। अदरवाइज आप लोग बोलेंगे नहीं मैं अपने आकड़ में चलूँगा, मैं अपने एटीट्यूड में चलूँगा, मैं क्यों किसी के शील्ड में जाऊँ, अपने आप से लड़ूंगा, तो भाई चूल खाने में जाओ, नहीं जीतने वाले, चाहे सोलो लड़ लो या कैसे भी कर लो, आपके कार्ड्स अगर अच्छे ना हो ना तो आप जीत नहीं सकते, आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तीन प्लेयर टीम बनाओ जिसके अंदर आपके दो पहचान के प्लेयर होंगे जो आपके टीम के हिसाब से, आपके फॉर्मेशन के हिसाब से काम करेंगे, और आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई भी एक प्लेयर अगर समझो अटैकिंग कर रहा है, बाकी दो प्लेयर हट गए, समझो पीछे हट गए कि गैलेक्टस अटैक करने वाला है और एक प्लेयर लड़ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको भी पीछे हटना चाहिए, ना कि वहाँ पर जाके उसके कट 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 अटैक करना चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके अपने आप को डॉच और रिकवरी करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो गैलेक्टस जो है सामने की तरफ से आके अटैक करता है, तो वहाँ पर उतना खतरा नहीं है, लेकिन लेफ्ट में जब आता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, वो पिंक कलर के अटैक करता है, जो कॉर्वस करता है ना जमीन पे डॉट 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 लगा के, बाद में फिर कैरेटे के ऐसी तैसी करता है, वो बस सेम वाला अटैक गैलेक्टस भी करता है, तो वो इतना भयानक होता है कि कैरेटे की HP जो है ना चुटकी बजाते गायब। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी करते हो, खेलते हो, तो टीम फॉर्मेशन में खेलो, जैसे कि अभी मैं राइट साइड में यहाँ पर मेरा एशियंट वन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो उस तरीके से आप लोग अपने कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर किसी ने अंदर में ग्रुट लिया हुआ है, या ग्रुट तो दिख रहा है मुझे, ग्रुट नहीं है शायद, कोई और कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है दिख नहीं रहा है,
हाँ ठीक है, जो भी हो तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है इसको आसानी से बचाया जा सकता था वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आगे देखो अभी करना क्या है। सबसे पहले तो आपको टीम सेटअप के मैं GBR के कुछ अलग अलग पार्ट की वीडियो बना देता हूँ, जिसके अंदर आपको अलग अलग मैं टीम सेटअप वगैरह सब कुछ समझा दूंगा। न्यू प्लेयर्स के पास में ज़्यादातर कैरेक्टर जो है टीयर 2 होते हैं, तो गैलेक्टस में मतलब जो GBR है उसमें क्या एक सेटिंग है, उसके अंदर हमने 6 स्टार या 6 स्टार से कम के रैंकिंग वाले जो कैरेक्टर या रैंकअप वाले जो कैरेक्टर है वो हमें दिखाई नहीं देते, वहाँ पर वो रहते ही नहीं है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़, जो न्यू प्लेयर्स है उनके पास में Tier 3 कैरेक्टर बहुत कम होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको टीम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में एक काम करो, आपके पास में समझो एशियंट वन जैसे Tier 2 कैरेक्टर होंगे जिनके पास में रिकवरी हो, वास्प है, कोल्सन है, ग्रूट है, तो ये वाले जो कैरेक्टर हैं आप एक Tier 3 कैरेक्टर के साथ टीम सेटअप करो और लड़ने की कोशिश करो अलग अलग टीम के प्लेयर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 प्लेयर के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था उस दिन संडे को, मैं 8 बजे जब खेला तो वहाँ पर लेवल जो गैलेक्टिस की HP है यहाँ पर 56 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर सेम 11 लिखा हुआ था। मैं उसको मारते तक मारते 11-11 लेवल तक गया, तो उसके बाद में मैं कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर मैं अकेला बचा था और बाकी जो टीम मेंबर थी अलग अलग जगह से खेलने की वजह से, अलग अलग टीम फॉर्मेशन में खेलने की वजह से और सही तरीके से डॉच ना करने की वजह से वो हार गए और मैं वहाँ पर टिका रहा। मेरे तीनों कैरेक्टर जिंदा थे और थोड़ी थोड़ी HP सबकी गई थी। उसके बाद में मैं जितना हो सके उतना एशियंट वन से खुद को हील करने की कोशिश करता रहा और उस जगह पे मैं खेलने की कोशिश करता रहा। अगर बाकी टीम भी अगर सेम ऐसे ही करे या फिर हेल्प की ज़रूरत ले या उस सर्कल में आ जाए, सर्कल में आके खेले, तो पक्का किसी की भी HP कम नहीं होगी, आसानी से हम लोग गैलेक्टस की GBR जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात है बहुत कम प्लेयर के दिमाग में घुसेगी, बहुत कम प्लेयर के बाद समझ में आएगी। अब देखते हैं करना क्या है। तो ये सबसे पहले आपको मैं टीम फॉर्मेशन समझा देता हूँ, गेम के अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे समझाने के लिए। तो जिस जिस प्लेयर के पास में Tier 3 कैरेक्टर 1-2 ही है या फिर 3-4 ही है, तो ऐसे कैरेक्टर को थोड़ा सा 3 बार खेल सकते हैं, ऐसे प्लेयर 3 बार खेल सकते हैं। लेकिन जिनके पास में 1 से -1 में मतलब 1 से कम के कैरेक्टर है, मतलब जैसे एग्जाम्पल शेरोन रॉजर्स 1 Tier 3 कैरेक्टर या फिर कैप्टन 1 Tier 3 कैरेक्टर, बाकी कोई कैरेक्टर Tier 3 नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट टीम लेके और बाकी प्लेयर्स की हेल्प के मदद से आपको बाकी जो चैलेंजेस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखो मैं जैसे कि मैंने टीम सेटअप लिया हुआ है थॉर, हेला एंड कोल्सन, तो इनकी मदद से मैंने थॉर का एनर्जी अटैक बढ़ाया, साथ में उसको सुपर विलन टाइप डैमेज रिसीव एंड डैमेज डील वाला कैरेक्टर दिया जो कि कोल्सन है, तो इसके मदद से मैंने स्टेज क्लियर किया और यहाँ पे जो भी रिवार्ड है वो मुझे मिला। सेम इसी तरीके से आपको टीम लेनी है Tier 2 वाली और Tier 3+ की GBR में, वहाँ पर यूज़ करना है और उसके बाद में जो गैलेक्टस की जो GBR है उसको हराने में अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश करना है। जो भी कैरेक्टर के पास अपोनेंट दूसरे कैरेक्टर के पास समझो रिकवरी वाला कोई कैरेक्टर है और वो रिकवरी दे रहा है, समझो लूनास्नो Tier 3, एशियंट वन, ग्रूट, ऐसे कैरेक्टर है जो रिकवरी दे रहे हैं, तो उसके जगह पे जाओ फटाक से रिकवर कर लो अपने आप को जितना हो सके उतना, और अटैकिंग और अटैक ब्लॉक और डिफेंस अपना एक्टिव कर लो जितना हो सके उतना, ताकि आपका कैरेक्टर जिंदा रहे और आप इजीली उसे डिफेट कर सको। यहाँ पर भी मैं ये वाला स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, जब मैं कैप्टन को हील करवा कर मतलब दिखा रहा था, जहाँ पर कैप्टन मेरा हील कर रहा है, ब्लेड को मैंने Tier 2 किया, ब्लेड को Tier 2 लीडरशिप में रखा, तो यहाँ पर कैप्टन की जो HP है 340% जब जब अटैक करेगा, जब तक स्किल्स यूज़ करेगा तब वो 340-340 करके रिकवरी करेगा, जैसे वुल्वरिन करता है, डेडपूल करता है और हल्क जो रिकवरी करता है, सेम उसी तरीके से कैप्टन भी रिकवरी करेगा। अगर आपका ब्लेड Tier 2 गैलेक्टस में GBR में आपने लिए यूज़ किए लीडरशिप में रखे तो आपका कैप्टन हील करेगा, ट्राई करके देख लेना। अगर नहीं समझ में आए तो एक काम करो चैप्टर 11, 10 या 13 में यूज़ करके देख लो, आपका कैप्टन हील करते हुए नजर आएगा जब आप अटैकिंग स्किल्स यूज़ कर रहे होंगे तब। उसके बाद में यहाँ पर एक देखो ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने, इसमें यहाँ पर मेरे अलायंस के 2 मेंबर्स ने अलग अलग टीम ली, इसके अंदर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, टीम सही तरीके से नहीं ली। जैसे एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया हेला, थॉर और ग्रूट, तो यहाँ पर ये 3 टीम लिया मैंने। थॉर को यहाँ पर रिकवरी मिल रहा है ग्रूट के मदद से, Tier 2 ग्रूट के मदद से, तो यहाँ पर सामने वाली टीम ने जो कि नाम है मेरा अलायंस के मेंबर्स ही है, तो यहाँ पर इन लोगों ने टीम अलग ली। यहाँ पर शेरोंग के साथ वास्प लिया, चलो ठीक है डिबफ के लिए ले लिया, लेकिन शेरोंग को थोड़ा सा मेगा से स्टारलॉर्ड जैसे कैरेक्टर का लीडरशिप देके या फिर किसी और कैरेक्टर जैसे हेला हो गई, हेला Tier 2 नहीं होंगी समझो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दूसरे कोई कैरेक्टर कोल्सन हो गया, ऐसे कैरेक्टर के साथ सपोर्ट देके अगर जो क्या नाम इसका शेरोंग के साथ अगर ये GBR किया होता तो आराम से बिना किसी दिक्कत के
क्लियर हो गया होता, चलो ठीक है मान लिया कि शेरोंग के पास में डैमेज प्रॉक नहीं है, अच्छा वाला कम वाला होगा, तो भी ये आराम से बिना किसी दिक्कत के क्लियर कर सकते थे। लेकिन वहाँ भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। उसके बाद मैं नीचे वाली टीम की बात करता हूँ। यहाँ पर कैप्टन के साथ डेडपूल लिया गया और डेडपूल के साथ है टीयर 3 स्पाइडरमैन। तो यहाँ पर ये भी टीम थोड़ी मुझे गलत लगी। यहाँ पर कैप्टन के साथ वोल्वरिन, वास्प या कोल्सन या शूरी या कोई भी दो टीयर 2 कैरेक्टर वो चूज़ कर सकते थे सपोर्ट टीम के ज़रिए, या फिर ग्रूट हो गया या वास्प हो गया, ये भी टीम यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये भी टीम यूज़ नहीं किया और सही तरीके से सही फॉर्मेशन ना खेलने की वजह से यहाँ पर जो कैप्टन है वो डिफेक्ट हो गया। यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट में अच्छे से आप क्लियर देख सकते हो, कैप्टन हार चुका है। डेडपूल की HP थोड़ी सी कम हो गई है और स्पाइडरमैन की लगभग आधे से थोड़ी ज़्यादा है, शेरोंग की भी आधे से थोड़ी ज़्यादा ही है और स्कारलेट विच की भी वही हाल है। तो यहाँ पर अगर सही तरीके से सही टीम नहीं लोगे तो हारोंगे GBR में, चाहे कितना भी कर लो। अगर सेंटिनल के इसमें, मास्टर मोड के इसमें अगर आप जीत नहीं सकते तो गैलेक्टिक इसमें जीतना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी मत। तो एक काम करो, अभी तो प्रैक्टिस कर लो मास्टर मोड के इसमें, टीम फॉर्मेशन में है पूरा एक साथ कैसे खेलना है वो सब देख लो, टीम सेटअप कैसे करनी है, कौन से कैरेक्टर यूज़ करने हैं, कौन से कैरेक्टर के साथ कौन से सपोर्टर टीम यूज़ करनी है जिससे आपका कैरेक्टर हील भी हो, या फिर दूसरे कोई कैरेक्टर ऐसा चूज़ करो जिसके इसमें हीलिंग का एक कैरेक्टर हो, उसके साथ में जाओ, उसके टीम के सपोर्ट के पीछे पीछे रहो और अपने आप को हील करो और अटैकिंग करो। सही तरीके से सही फॉर्मेशन में खेलोगे ना आराम से कर सकते हो, सोलो भी कर सकते हो और चाहो तो टीम के साथ भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना तब तक ये स्टेज क्लियर करना आसान काम नहीं है। अभी आपको सही टीम चूज़ करना पड़ेगा, वो सब सीखना पड़ेगा, अब हर चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने टीम लिया हुआ है बकी Tier 2, कैप्टन Tier 3, वोल्वरिन Tier 2, ये टीम भी यूज़ करूँगी तो आराम से आपका GBR जो है क्लियर हो जाएगा और मेरे ख्याल से कैप्टन को थोड़ा अटैकिंग थोड़ा सिस्टम भी और थोड़ा एनहांस हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑब्लिस्क वगैरह जो है वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने स्कारलेट विच के साथ शूरी लिया, कोल्सन लिया, तो यहाँ पर इसका जो सुपर विलन टाइप डैमेज है वो भी मैंने इंक्रीज करवाया, साथ में इसका जो अटैकिंग है वो भी अच्छा है, मतलब लीडरशिप के साथ 45% इंक्रीज एनर्जी अटैक स्कारलेट विच का है, तो उसके भी मदद से यहाँ पर मैंने इजीली क्लियर कर सकता हूँ आसान से बिना किसी दिक्कत का। अब यहाँ पर गैलेक्टस का जो GBR है उसमें देखो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर सिटी ऑफ रेज है गैलेक्टस का, जब GBR आता है सैटरडे टू संडे 8:30 से 6:30 तक, तो उस टाइम में ये हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और सिल्वर सर्वर के हमें बायोमेट्रिक्स, अगर 10 बायोमेट्रिक्स चाहिए तो हमें 3 बार बूस्ट पॉइंट यूज़ करते हुए उसका बायोमेट्रिक्स हासिल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो ऐसे कंडीशन में मेरे ख्याल से आपको कई बार खेलना पड़ सकता है, थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत जाएगी, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। अब मेरे पास गैलेक्टस का जो GBR वाला वो वीडियो मैंने गलती से डिलीट कर दिया, उसको मैंने कई सारे वीडियोस मैंने संभाल के रखे थे दिखाऊंगा इसलिए, लेकिन अब मैंने गलती से डिलीट कर दिया। अब जो किया सो किया, लेकिन अभी टीम फॉर्मेशन कैसी चूज़ करनी है, कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर अटैक नहीं करना है, किधर रुकना है किधर नहीं रुकना है, पूरा मुझे समझा के दिखाना पड़ेगा गैलेक्टस का GBR में। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं, तो थोड़ी देर में दूसरे वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कौन से टीम चूज़ करना है, कैसे टीम चूज़ करना है, गलत टीम चूज़ नहीं करना है, अगर की तो भी हार जाओगे, डेफिनेटली हारोगे, खुद तो हारोगे ही दूसरों को भी हराओगे। तो सही टीम लो, बैलेंस टीम बनाए रखो 3 प्लेयर में, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Tier 3 एक एक कैरेक्टर भी रहना फिर भी आराम से कर सकते हैं अगर सही तरीके से खेले तो, पूरे प्लानिंग के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। मैं बताता हूँ भी क्या प्लान है, पूरा समझा के बताऊँगा, उसी हिसाब से खेलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। अगले वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, उसमें पूरा टीम फॉर्मेट और सब कुछ मैं समझाऊंगा।